Assalamualaikum students, starting with the name of Allah who is the most merciful and beneficent. I hope students you and your family are safe and healthy. Today our third online lectures of mathematics. Now we start our today lecture. So open your book page number 8 exercise 1.2. Last lecture mein students hum logo ne two laws किए थे एसोसिएटिव लॉ एंड कम्यूटेटिव लॉ. उसके अंडर उसके थ्रू हम लोगों ने टू क्वेश्चन स्टम किए थे ए के टू पार्ट्स किए थे और सेकंड भी किया था हम लोगों ने. ओके स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों ने इसका होमवर्क नोट डाउन कर लिया होगा. आफ्टर प्रैक्टिस आपने मस्ट प्रैक्टिस की होगी. अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारे पास शो दैट इफ क्वेश्चन नंबर 3 शो दैट इफ ए इज इक्वल टू ए बी सी बी इज इक्वल टू बी डी एफ एंड सी इज इक्वल टू ए सी एफ ए एफ सी. हमने क्या प्रूव करना है कि ए यूनियन ब्रैकेट स्टार्ट बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी. इट्स मीन शो दैट करने के लिए हम लोग पहले एक साइड को सॉल्व करते हैं और फिर दूसरी साइड को अदर साइड को. ओके दोनों का आंसर इक्वल आ जाना चाहिए. तब यह मोस्टली क्वेश्चंस में आ जाता है लेकिन कभी कभार इक्वल नहीं होता है. लेकिन आपका यहाँ पे होना चाहिए क्योंकि ये लॉज है. लॉज के अंडर ये इक्वल प्रूफ होना चाहिए आपका. ओके अब इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं. आप यहाँ पे देख सकते हैं नाउ टेकिंग फर्स्ट वी टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन इनटू बी इंटरसेक्शन सी. इसमें सबसे पहले हम लोग स्टूडेंट्स अपनी ब्रैकेट सॉल्व करेंगे जो है कि हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी. ओके बी की जगह उसका सेट इंटरसेक्शन क्योंकि जो हमने फंक्शन करना था अप्लाई करना था जो प्रोसेस करना था और उसके बाद सी की जगह उसका सेट इनका इंटरसेक्शन दिया जिसका आंसर एफ आ गया. अब इसके बाद ब्रैकेट सॉल्व होगी. ब्रैकेट का हम लोग बाहर ए के साथ यूनियन लेंगे. ओके फर्स्ट मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ जब आप लोग इसी सीक्वेंस से जो आपको बुक में गिवन होता है इसी सीक्वेंस के अंडर आपने ब्रैकेट्स में वैल्यूज पुट करनी होती है. फर्स्ट है ए की वैल्यू है ए बी सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का आंसर एफ. ओके अब इनका यूनियन फाइंड आउट करेंगे तो ये हमारे पास ए बी सी एफ आ जाएगा. हमारे पास राइट हैंड साइड है. अब लेफ्ट हैंड साइड हम सॉल्व करेंगे. लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या था ए यूनियन बी और ए यूनियन सी. पहले ब्रैकेट्स दोनों सॉल्व करेंगे फिर इन दोनों का जो आंसर आएगा उसका इंटरसेक्शन ले लेंगे. ओके स्टूडेंट दोबारा रिपीट कर रही हूँ पहले ब्रैकेट्स दोनों सॉल्व करेंगे इन दोनों का जो आंसर आएगा उसका इंटरसेक्शन ले लेंगे. इसलिए पहले ए यूनियन बी फाइंड आउट किया है जिसका आंसर आपके सामने फिर ए यूनियन सी ठीक है और फिर इनका दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड आउट किया जो आ गया ए बी सी एफ जो कि हमारे पास इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड के. सो हैंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ आ गया होगा. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद सॉल्व करेंगे ठीक है. वो भी सेम इसी तरह से है आप लोगों का जिस तरह से आपको पहले मेथड बताया गया. अब नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो हमारे पास डी मॉर्गन्स लॉ. ओके स्टूडेंट्स डी मॉर्गन्स लॉ में क्या होता है हम लोग क्या करते हैं ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट. मीन ये दोनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल होती हैं अंडर डी मॉर्गन लॉ का. डी मॉर्गन लॉ में ये तो यूनियन का था अब इंटरसेक्शन में क्या होगा ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट. स्टूडेंट्स 7th क्लास में आपने कम्प्लीमेंट के बारे में स्टडी किया था. आपने क्वेश्चन भी सॉल्व किया कि कम्प्लीमेंट इक्वल होता है हम लोग यूनिवर्सल सेट में से जिस सेट का कम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना हो उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. यूनिवर्सल सेट में से गिवन सेट को सब्ट्रैक्ट करना उसका कम्प्लीमेंट कहलाता है जिस सेट का कम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना हो. क्वेश्चन नंबर 5 जिसको डी मॉर्गन लॉ के थ्रू हम लोगों ने सॉल्व करना है. सबसे पहले ए पार्ट इसका ले लेते हैं जिसमें ए यूनियन बी का होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट. नाउ वी टेकिंग फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड. ओके आपने इसी तरह से क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं यही मेथड आप लोगों ने अटैम्प्ट करना है कोई भी और मेथड के थ्रू आपने क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने. सबसे पहले है ए यूनियन बी क्योंकि आप ब्रैकेट्स के अंदर देखें पहले ए और बी का यूनियन फाइंड आउट करेंगे उसके बाद इसका कम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेकिंग यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी. ए और बी का यूनियन लिया ठीक है जो कि हमारे पास आ गया 2, 3, 5, 7, 11. ओके और नेक्स्ट अब इसका कम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा जो सेट इसका हमारे पास आंसर आया है इसको हम लोग यूनिवर्सल सेट यू में से माइनस कर देंगे. आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको इस फॉर्म में लिख के भी बता दिया गया है कि कम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा यू माइनस यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को सब्ट्रैक्ट करना जिसका कम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है.
यूनिवर्सल सेट हमारे पास है 1 2 3 सोन, और जिसका ए यूनियन बी, जिसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है 2 3 5 7 11। ओके, तो जब इसमें से यू में से इस सेट को, ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमेनिंग वैल्यूज हमने यू की लिखनी है, क्योंकि आपको पता है जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जिसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं उसकी रिमेनिंग वैल्यू लिखते हैं। यहाँ पे यू की रिमेनिंग वैल्यू लिख देंगे जो कि हमारे पास आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट। ओके स्टूडेंट, ये था इसके लेफ्ट हैंड साइड। अब हम लोग करेंगे इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व। सबसे पहले हम लोग लेंगे ए का कॉम्प्लीमेंट, इट्स मीन यू में से माइनस करेंगे, फिर बी का कॉम्प्लीमेंट, इट्स मीन इसको बी में यू में से माइनस करेंगे। दोनों का जो आंसर आएगा आप देख सकते हैं, जो आंसर गिवन है उसका इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे, जो हमारे पास ये आ गया जो कि लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है, इट्स मीन राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। स्टूडेंट्स, इसका जो नेक्स्ट बी पार्ट है आपको यहाँ पे शो ऑफ हो रहा है, आप देख रहे हैं, ये आप लोगों ने खुद करना है, ठीक है। आपको यहाँ पे इसका पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा और आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस खुद करनी है। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, बगैर प्रैक्टिस किए कभी भी टीचर को कॉपी नहीं करना, टीचर काम को कॉपी पे नोटबुक पे अपनी कॉपी नहीं करना, प्रैक्टिस करने के बाद कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोग बहुत आसानी से ये चीज़ आप लोग सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, अगर आप टीचर्स की बातों को फॉलो करें, टीचर्स के स्टेप बाय स्टेप को फॉलो करें। टीचर लेक्चर्स को 1 2 3 टाइम मस्ट आप लोगों ने सुनना है, ताकि आप लोग इजी, आप लोगों को समझ आ जाए, ठीक है। और बाकी जो चीज़ें आपको समझनी आई इंशाल्लाह वो रेगुलर क्लासेस में आपको समझा दी जाएंगी। ये बहुत ही ईजी यूनिट है सेट का, इसलिए स्टार्टिंग में ये आपको करवाया जा रहा है, और बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे, ठीक है। टेक केयर स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।